अक्षय कुमार ने गांधी जयंती पर अनाउंस की नई फिल्म स्काई फोर्स। इस डेट को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। अक्षय कुमार की साल 2023 में अब तक 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है और 1 रिलीज होने वाली है। इसी बीच अक्षय कुमार ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी एक और अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि फिल्म स्काई फोर्स अगले साल यानी 2024 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म स्काई फोर्स का टीजर भी शेयर किया है। आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की कहानी क्या है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म स्काई फोर्स का टीजर शेयर किया है। फिल्म के टीजर से साफ पता चल रहा है कि इसका कहानी भारत के पहले और सबसे घातक हवाई हमले पर बेस्ड है। फिल्म स्काई फोर्स में अक्षय कुमार एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। आज गांधी शास्त्री जयंती के दिन सारा देश कह रहा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। फिल्म स्काई फोर्स की अविश्वसनीय कहानी की घोषणा करने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। भारत के लिए पहले और सबसे घातक हवाई हमले की हमारी अनकही कहानी, कृपया इसे प्यार दे। जय हिंद, जय भारत। फिल्म स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स के डायरेक्शन की जिम्मेदारी अभिषेक कपूर और संदीप केवलानी के कंधों पर है। अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में कई फिल्में हैं। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स के अलावा मिशन रानीगंज, बड़े मियां छोटे मियां, वेलकम 3, हेरा फेरी 3, हाउसफुल 5, सोराइस पोट्रू जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे। अक्षय कुमार पिछली बार फिल्म ओएमजी 2 में काम करते नजर आए थे। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।